मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। सर्दी, खांसी और गले दर्द से राहत पाने के लिए आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें मैंने ली है इस गोली को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको लेना है सौंठ पाउडर। किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको ये सौंठ पाउडर मिल जाएगा। अदरक को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, परंतु चिंता ना करें दोस्तों, यदि सौंठ पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ताज़ा अदरक भी ले सकते हैं। इस तरह से सूखा अदरक भी मार्केट में आता है, ये मैंने आपको दिखाने रखा है। चाहे सौंठ पाउडर, चाहे सूखा अदरक लें, या फिर जो हमारा सादा अदरक होता है, गीला वाला अदरक, आप इसके छिलके उतारें, इसे साफ़ करें और फिर आप इसका इस्तेमाल करें तो सर्दी, खांसी, गले दर्द से 100% राहत मिलेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो सबसे पहले अदरक के छिलके उतारकर आप इसे साफ़ कर लें और फिर हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट दोस्तों, या सौंठ पाउडर लेना है या अदरक लेना है। 5 से 6 आपको काली मिर्ची लेना है। 5 लौंग ली है मैंने दोस्तों, जिन्हें कि अभी मैं खलबत्ते में डालकर बढ़िया अच्छा कूट लूँगी, थोड़ा पाउडर बना लेंगे। दालचीनी ली है दोस्तों, दालचीनी से भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, और यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी दोस्तों, तो बहुत से संक्रमण से हम बच सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है गुड़ दोस्तों। गुड़ भी हमें सर्दी, खांसी, गले के दर्द से राहत देता है। तो गुड़ इस तरह से 2 आता है, मैंने आपको दिखाने लिया है। जैसा भी गुड़ हो, ये बारीक वाला, चूरा वाला भी गुड़ आता है, और ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म का भी गुड़ आता है। तो खलबत्ते में मैंने 6 काली मिर्ची डाल दी है, 5 लौंग डाला है। दालचीनी को इस तरह से थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, ताकि हमें इसे कूटने में आसानी हो, और बढ़िया अच्छा कूट जाता है ये। और आप चाहें तो ग्राइंडिंग चार में भी डालकर इसका पाउडर बना सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के काढ़ा बनाते हैं। काढ़े के मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, परंतु पूरे समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि पूरे समय हम काढ़ा बनाकर पिएं। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं और काढ़ा नहीं बना पाते हैं। तो ये जो गोलियां हैं दोस्तों, इसे आप बनाकर रख लें। 15-20 दिन की गोलियां आप बना के रखें, कोई ख़राब होने का डर नहीं है। तो सबसे पहले अदरक को ग्रेटर की मदद से आपको ग्रेट करना है। ये देखिए, आप जितनी भी क्वांटिटी की ये गोलियां बनाकर रखना चाहते हैं, उतनी मात्रा में आप अदरक को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 बड़े टुकड़े अदरक के लिए हैं, जिसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, दिन में एक बार आप इस गोली को ज़रूर लें। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कई बार हम जब काढ़ा बनाते हैं ना दोस्तों, तो बच्चे काढ़ा पीना पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर लगती है दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची की। परंतु इस गोली को जब हम इतने अच्छे गुड़ के साथ बना रहे हैं, तो बच्चे भी इसे ज़रूर खाएंगे। सर्दी, खांसी, गले दर्द, छाती में जमे हुए बलगम को निकालेगी ये गोलियाँ। तो सबसे पहले मैंने गुड़ डाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1/2 कटोरी के करीब गुड़ लिया है। स्लो फ्लेम पर गुड़ को पकाना है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, और साथ ही 3 बड़े टुकड़े जो मैंने अदरक के ग्रेट किए हैं वो भी डाल दिया है। और कम से कम 3 से 4 मिनट इसे पकाना है। 1 बड़ा चम्मच मैंने बढ़िया इसमें हल्दी डाला है, हल्दी जो कि एंटीसेप्टिक होती है, एंटी एजिंग होती है दोस्तों, और साथ ही साथ जो हल्दी होती है वो हमें बहुत से थ्रोट इन्फेक्शन से बचाती है। गले में जो कई बार खुजली होती है, जलन होती है, उससे हमें हल्दी बचाती है। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च को मैंने इस तरह से कूट लिया है, उसे भी मैंने इसमें मिला दिया है। सभी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाना है। आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया अच्छा गाढ़ापन आ गया है। बस सभी चीज़ों का अर्क इस में आ चुका है, और अब आपको गैस को बंद करना। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 मिनट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, बढ़िया थिक हो गया है। परंतु अभी थोड़ा सा, मान लीजिए आपको ऐसा था ये गीला है और गोली बनने में परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ पर लेना है 2 चम्मच या 1.5 चम्मच आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। छोटी चम्मच है तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लिया है, और गेहूं के आटे को खूब अच्छी तरह से भून लें, ताकि कच्चापन दूर हो जाए। और इस गेहूं के भुने हुए आटे को आप इस गोली में मिला दें। इससे क्या होगा, हमें गोली की बाइंडिंग में आसानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा गुड़ अभी स्टिकी हो गया था, उसके कारण हम बहुत अच्छे से ये गोली नहीं बना पा रहे थे। तो 2 चम्मच भुना हुआ आटा डालकर मिक्स करें, और बस छोटी छोटी सी गोलियां बना लें।
तो दोस्तों रोज़ लें आप चाहें तो सुबह और शाम दो भी ले सकते हैं, बड़े लोग दो भी ले सकते हैं, छोटे बच्चों को आप एक गोली ज़रूर दें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करेगी। कोशिश करें कि इस गोली को खाने के बाद आप बिल्कुल भी ठंडा पानी ना लें। यदि आप इस गोली को खाने के बाद एक कप आधा कप जैसा भी आपकी मर्जी है गर्म दूध लेते हैं तब तो और भी अच्छा है। मान लीजिए दूध नहीं लेना पसंद करते हैं तो इस गोली के बाद यदि आप पानी पीते हैं तो मैं सलाह दूंगी कि गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं इस गोली के बाद। बहुत बढ़िया गोली है दोस्तों, आपको बार बार काढ़ा बनाने की झंझट नहीं रहेगी और आप इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें ख़राब होने का कोई भी डर नहीं है दोस्तों। ये देखिए इतनी सारी गोलियां बनी, छोटी गोलियां आप बच्चों को दें, कुछ मैंने बड़ी बनाई है हम बड़े लोगों के लिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली गोली तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।